क्यों हर डे? अभी उस दिन एक नंबर से किसी ने मैसेज कर रहा था जिस दिन मैंने बोला, फिर अभी कोई और एक है और एक नंबर से आ रहा है व्हाट्सएप पे, जो जिनके बारे में मैं बोलना चाहता था ये मैंने सही कहा था, ये लीजिए उनका जो है डिटेल में सब मेरे को भेज रहा है। मेरे को भेज के फ़ायदा क्या है? क्या मैं तो मेरे चैनल पर चलाने वाली हूँ नहीं, दूसरों का मेरे को चाहिए नहीं। तो अगर तेरे को ये सब डिटेल देना है जिनके बारे में तू भेजा है, जिनके फ़ोटोज़ वीडियोस, उनका नंबर तो तेरे पास भी होगा, तो उनको भेज। समझ में आया? तेरी जी में दम नहीं है शायद तो मेरे को भेज रहा है, मतलब ही नहीं है तो उनको भेज ले। अगर ये सब करना है तो तेरे खुद के चैनल पे चला ना, जो तू दिखाना चाहता है। तो मैं मेरे चैनल पे चला के फ़ायदा नहीं है ना, तू चला। अगर तेरे में दम है या अगर कुछ है तो तेरे चैनल पे चला, और उनकी जो भी जिनकी सच्चाई तू बताना चाहता है तो पब्लिक को तू बता। अगर कोई भी है ना, ये सब ये इतना गंदा काम मत करो। शायद तू या तेरे शूटर सब है ना, उन लोगों के हाथ से ये सब करवा रहा होगा। देख, ये थर्ड क्लास काम अभी बंद कर दे। इतना तो सच में बोलती हूँ ना, आज तेरी बीवी इतना बोली है, देख इतने में तो सच में बोलती, इज्जतदार होता तो मर ही जाता। तुझे तो इज्जत नाम की चीज़ ही नहीं है, तेरी में भी दम नहीं है कि तू आदमी लोग से लड़ सके, या आदमी कोई भी आदमी के सामने आमने सामने होके ना लड़ सकता है ना पीछे से लड़ सकता है। तो औरतों का तू पल्लो पकड़ के या औरतों को बात करके कुछ भी, सब जगह दे औरत का ही पल्लो पकड़ के तू बात भी करेगा, और उनके बारे में नीचे से लेके ऊपर भी बात करेगा, हर एक चीज़ गंदगी बोलेगा। तू जो थर्ड क्लास काम करता है ना, ये लड़कियों का वीडियो ऑडियो रख के या दूसरों को भेज के जो तमाशा तू करता है, वो करने वाले में से मैं हूँ नहीं। पहले से भी जानता है तू कि मैं किसके बारे में वीडियो बनाती थी या अब तक बनाई हूँ। दूसरों की लाइफ के बारे में मैं ना तो बोलना चाहती हूँ ना बोलूँगी, क्योंकि उन की लाइफ है, मैं कौन होती हूँ बोलने के लिए। तो भेजा ना, चल ये तो पता चल गया कि आगे वाला आदमी क्या था, जान के हो गया। अगर ये नहीं कि मैं जाके इधर आके चैनल पे चलाने के लिए, बुड्ढे इतनी भी इतना बेगैरत है तू, सच में बोलती हूँ आज तेरी बीवी बैठ के तेरे बारे में बोल रही है ना। देख आज भी वो बैठ के जो रो रही थी ना, ये सही में असली आंसू थे। तू है ना हर बार झूठी कसम, झूठी कसम ही खाता है, सिर्फ कसम के सिवा दूसरा खाता नहीं है। सब यूट्यूब पे आके सबकी इज्जत तो ऐसा उछाल देते हो, उछालने के बाद माफ़ी भी मांगते हो, और उसके बाद पता नहीं ये बुड्ढा तो वही काम करता है, सबके पास जो बोलना सब बोलने के बाद माफ़ी मांगता है। तू और तेरे जो भी सिंगर्स हैं यानी तो डांसर हैं, तेरे जो आइटम लोग ऐसे ही बोल सकती हूँ मैं, उनके हाथ से जो भी करा रहा है अभी भी बंद कर रहा तो अच्छा है। रही बात दूसरी, तू जो करता है ना, ये चिंदी चोर काम बोलते हैं इसको जो तू कर रहा है अभी, क्योंकि तेरे पास अब कुछ है नहीं, सिर्फ औरतों के बारे में बोलने के सिवा तेरे पास है नहीं। अभी डायरेक्ट मेरे पास भेजने वाला तू हो गया इन्नून का। छोड़ अभी ये सब, जो अब तेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं उनका ही मेरे पास ये जो आ रहा है ना, तो ये तो तू ही किया है, क्योंकि अब तो तेरी इज्जत वो उछाल रहे हैं, तो तू शायद ये मेरे हाथ से करवाना चाहता है। तो ये तो भूल जा, मैं किसी का कुछ करने वाली हूँ नहीं। ये उम्र अब तेरी है ना, ये इबादत करने की उम्र में तू ये छोटे काम कर रहा ना, गिरे हुए हरकतें बंद करके अभी भी तू इबादत करने में लग जा अब तो।